आप रोते भी हो क्योंकि लड़कों को मतलब ऐसे दिखाया जाता है ना बोला ही ऐसे जाता है अरे तू तो लड़का है यार क्या दिक्कत है तुझे मैं कहता हूं कि तो रोना बड़ा जरूरी है मैं रोता हूं और एंड बढ़िया तरीके से रोता हूँ फिल्में देख के रोता हूँ अच्छा। और मे मेरी आदत पता क्या मेरी आदत है कि और मैं शायद बचपन से ऐसा रहा हूं कि मतलब uh, मेरा इमोशनल आउटलेट जो है रोना क्या होता है कि इमोशनल आउटलेट होता है मैं लिख लेता हूँ चीज़ें जी मेरा इमोशनल आउटलेट वो हो जाता है लेकिन मैं रोता हूँ जब मेरे साथ कोई बहुत ओवरवेलमिंग चीज़ हो जाती है जैसे मैं कोई एक बहुत अच्छी वीडियो देख देखता हूँ ना मैं रोने लग जाता हूँ मैं कोई बहुत अच्छी फिल्म देखता हूँ मैं रोने लग जाता हूँ मैं बहुत अच्छा गाना सुनता हूँ मैं रोने लग जाता हूँ मैं इमोशनली इतना ओवरवेलम हो जाता हूँ मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ मैं रोने लग पड़ता हूँ तो मेरे को कोई हिचकिचाहट नहीं है रोने में जो सोचते हैं ना कि रोना गलत होता है रोना नेचुरल है रोना चाहिए जिसको रोना आ रहा है उसको रोना चाहिए फालतू में मतलब ऐसे किसी के सामने ढकोसले ढकोसले ना करो किसी की सिंपथी के लिए मत रो अगर आपको रोना आ रहा है ना रो हिचकिचाहट का ऐसा है ना क्योंकि लड़कों को ऐसा बताया जाता है अरे यार मजबूत इतना दिखाया जाता है ना समाज में कि यार लड़का है रोएगा तो मतलब मजाक उड़ेगा तो उस हिसाब से तो रोना रोना सबसे बड़ी मजबूती है मुझे ऐसा लगता है हाँ, हाँ। मुझे भी यही लगता है हाँ। रो, जब रोना आए, तो रो लो अमित बढ़ाना के लिए फेलियर क्या है हार क्या है आप कभी कभी काम करते वक्त भी हारते हैं व्यवहार से भी हारते हैं बहुत सारे तरीके हैं सिर्फ मेरी हार ये नहीं हो सकती कि आज मैंने वीडियो डाली उस पर दस मिलियन व्यूज नहीं आए तो मेरी सिर्फ यही एक हार नहीं है मेरी हार और बहुत सारे तरीके से है मेरी वजह से कोई परेशान भी है तो वो भी एक हार का हिस्सा है और जीत क्या है जीत अभी हमें ना कभी ऐसे नहीं सिखाया जाता जैसे हम बचपन में थे हमें क्या कहा जाता अच्छे नंबर आएंगे तो तेरी जीत है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अपनी वजह से किसी को खुश कर रहे हैं मोटिवेशन दे रहे हैं इसमें असली जीत है अभी मुझे काफी लोग मिलते हैं जो बोलते हैं कि भाई आप सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं हो हमारे लिए आप एक मोटिवेशन हो आपसे इंस्पिरेशन मिलती है तो ये मेरी जीत है मेरे को भी कहते हैं कि मतलब शादी वाले गाने बनाता है नाचने वाले गाने बनाता है व्यूज पे भी कई बार सवाल उठे वो मेरी जीत है ही नहीं नंबरों में जीत है ही नहीं खुशी तब होती है जैसे मैं किसी की शादी में शो कर रहा हूँ या कहीं मेरा किसी की सेलिब्रेशन में, में मेरा गाना बज रहा है तो मैं हर किसी की खुशी का हिस्सा हूँ वही होता है ना जब आप इंस्टाग्राम पर हैं और किसी ने आपको एक वीडियो बना के भेजी जिसमें डीजे पर 10 लोग नाच रहे हैं हां ओए होए हां मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब छोटे-छोटे बच्चे हाँ। कोई मुझे वीडियो भेजता है डायलॉग बोल रहे हैं मेरा मैं कहता हूं अरे यार हम मिडिल क्लास फैमिली बड़ा सोचने नहीं दिया बड़ा सोचने नहीं दिया और कभी आज़ाद नहीं सोचने दिया कि भाई यही करना है यही करना है भाई आ, कि कि तू अगर तूने बीटेक करी है तो जा तू सीधा नौकरी कर हाँ जैसे हमारी हमारे पिताजी से बहस होती थी कि स्कूटर नहीं बाइक लेनी है हाँ जी। हमारी बहस ही खत्म हो जाएगी ना बाइक <laughs> कोई जो मतलब मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जो बड़े लोग जो बड़े लोग होते हैं उनकी बहस होती है पापा मैंने मर्सिडीज डीजनी बी एम लेनी है उनकी बहस ये होती, होती होगी तो हमारी बहस तो ये स्कूटर और बाइक पे और ख़त्म हो जाती है मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मटीरियलिस्टिक चीज़ है मैं कह रहा हूँ कि सोच का फर्क आप बड़ा सोचो कौन सोच सकता था कि अमित बढ़ाना इंडिया का नंबर वन यूट्यूबर बनेगा काफ़ी लोग नहीं सोच सकते थे तभी शायद शॉकिंग है ये चीज़ एक क्योंकि एक पैटर्न सेट है कि यार ये पैटर्न है ये है ये चलता है वो चलता है अमित बठाना एकदम से पैटर्न टूट गया ना किस दिन YouTube से अमित बढ़ाना का चैनल गायब हो गया सुबह सुबह तो बोलोगे नहीं हम नहीं ठीक है ठीक है ठीक है अमित बढ़ाना का चैनल सपोज करो चला गया YouTube बंद हो गया हाँ जी उस दिन कैसा लगेगा आपने ना मतलब ऐसा सवाल पूछ लिया जैसे माँ से नहीं पूछ लिया तेरा बच्चा कहीं चला जाए तो तुझे कैसा लगेगा तो ये वैसा सवाल है मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि प्लेटफॉर्म बहुत जरूरी होता है लेकिन आपका सबसे जरूरी काम क्या है लोगों को हंसाना लोगों से कनेक्टिविटी लोगों को मोटिवेशन देना वो अगर मुझे यूट्यूब का प्लेटफॉर्म नहीं देगा तो नहीं। कोई और देगा रास्ता तो मिल ही जाएगा अगर मुझे प्यास लग रही है तो मैं पानी के पास नहीं जाऊंगा पानी खुद चल के आएगा दोस्ती दोस्ती के बारे में क्या ख्याल है दोस्ती मुझे ऐसा लगता है दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है घर वालों के बाद जो मतलब जिसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं हम कह देना यार घर वाले अगर परेशान होंगे तो हम कुछ भी कर देंगे उनकी खुशी के लिए सेम चीज़ दोस्ती पर अप्लाई होती है कुछ भी हाँ मतलब कुछ भी मैं तो कुछ भी करने को तैयार हूँ हाँ वही क्योंकि ये एक दिल से निकली हुई चीज़ होती है आपको कभी धोखे मिले दोस्ती में धोखे तो लेकिन फिर फिर वो दोस्त नहीं है ना यार उस एक दोस्त अगर आपका है, है। तो वो सुख दुख का साथी है है हाँ। वो आपके साथ अगर सुख में भी खड़ा है तो आपके साथ दुख में भी खड़ा है और दोस्ती की पहचान ही ऐसे होती है कि यार ये मेरे साथ बुरे वक्त में खड़ा था और आप पे भी सेम चीज़ अप्लाई होती है बिल्कुल आपके दोस्त का जन्मदिन है आप उसमें ना पहुंचे लेकिन अगर वो घर पे किसी वजह से परेशान है तो आप उससे मिलने जरूर पहुंचे पहुंचा हाँ, हाँ। ये एक दोस्ती की कीमत होती है हाँ। जो हमें कई बार कई तरीके से चुकानी पड़ती है अपना नुकसान करके भी चुकानी पड़ती है लेकिन दोस्ती है तो उस होता पता है क्या फिर तुम ना तुम्हारे लिए वो नुकसान मैटर नहीं करता मतलब तुम वो देखते ही नहीं कि नुकसान है मेरा तुम फिर उसको एज की एज ड्यूटी समझते हो स्टैंड लेना जरूर सिखाया है तो वो भी एक चीज़ बहुत मैटर करती है मुझे लगता है हाँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना हम ज्यादातर अपने आप से बहुत बातें करते हैं हुँ. तो कुछ भी ऐसा गलत हो रहा होता है ना तो हमें लगता है यार मुझे तो बोलना है हाँ, हाँ. इसको चाहे सब गाली दे रहे हैं हाँ. लेकिन मुझे इसके लिए बोलना है हाँ. क्योंकि मैं जानता हूँ ये गलत नहीं है हाँ. हाँ, जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया पर्सनली जब मैं नहीं तेरे साथ ही मतलब जब मेरा थोड़ा सा भी कोई खराब टाइम होता है जी। तो चंद लोगों के कॉल आए थे जिसमें तू भी था हालांकि तेरे को कोई जरूरत नहीं थी तेरा कोई मुद्दा नहीं था किसी चीज का। हाँ जी हाँ जी लेकिन ये बहुत कम रह गया डेट में आजा आजा तेरी रोडा कर दे लड़के ने काम आपका आत्मविश्वास और स्ट्रॉन्ग हो जाए आत्मविश्वास से मुझे गाने की याद आ गई करेंगे करेंगे <laughs> आपको क्या लगता है कि एक एक हेटर है वो क्या है और वो क्यों है एक हेटर की साइकोलॉजी क्या है उसकी तो जो भी हो मेरी तो यह है कि मैं तो उसे इग्नोर करता हूँ कब तक मुझे लगता है कि कलाकार इस चीज़ को सोचता नहीं है लेकिन कलाकार को हमेशा ये सोचना चाहिए कि आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते जब आप कुछ भी नहीं थे ना आप जब एक क्लास के नॉर्मल स्टूडेंट थे क्लास में चालीस बच्चे थे तीस से आपकी बॉन्डिंग थी दो तो चार ऐसे थे जिससे आपकी बॉन्डिंग नहीं थी लेकिन तब आप ये नहीं सोचते थे कि यार ये चार लोग मुझसे क्यों जलते हैं नहीं लेकिन अभी हम ये चीजें सोचते हैं क्योंकि कलाकार को आदत हो जाती है यार मेरे चारों तरफ यस मैन रहे मेरे लिए अच्छी अच्छी बातें करें हाँ। उस इंसान के बारे में क्या कहोगे जो आपकी कमेंट आपकी वीडियो पर कमेंट करते हैं देखने से पहले मार दिया। <laughs> 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 देखो इसको हम बदल नहीं सकते भाई। अच्छा इसके लिए सिर्फ और सिर्फ मुझे हमेशा से ऐसे लगता है कि आपके जो चाहने वाले हैं ना वो ही इसका रास्ता निकाल सकते हैं और वही हमेशा से निकालते हैं और इन आपने हमेशा देखा होगा बचपन से हम यही देखते हैं नकारात्मक चीजों पर हमेशा सकारात्मक चीज भारी पड़ी है क्रिटिसिजम hmm. और हेट में क्या फर्क है कि मैंने अच्छी वीडियो बनाई आपने कहा अच्छी है बुरी बनाई तो आपने कहा बुरी है तो ये क्रिटिसिजम है कि... हाँ बिल्कुल लेकिन मैंने अक्षय कुमार सर के साथ काम किया अजय देवगन सर के साथ काम किया और वो सभी को एक बहुत बड़े नंबर पे वीडियो पसंद भी आई मुझे दादा साहब फाल के अवार्ड मिला तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसमें कमी निकालनी है ये हेट है कामयाबी के साथ-साथ आपको जलन मुफ्त मिलती है वही ना मतलब अब जो बंदा ये कह रहा है कि भाई मैं तो सुन मैंने तो सुनने से पहले डिसलाइक मार दिया उससे क्या उम्मीद रखोगे आप हां जी वो तो फिर वो तो वही हिसाब-किताब हो गया ना कि उनको तो चाहिए ही नहीं वहां पर अपनी वो भी इतना समय दे रहा है <laughs> वो भी समय दे रहा है तो कहीं ना कहीं तो जो आपका एडिटर होता है ना <laughs> वो सबसे बड़ा फैन होता है आपका क्योंकि वो सिर्फ इस इंतजार में वीडियो आएगी तो मैं जाऊंगा डिसलाइक करूंगा तो वो सबसे बड़ा फैन है जो फैन है वो तो आपके फैन है वो तो लाइक करना शेयर करना वो तो चाहते हैं लेकिन वो भी चाह रहा है तो कहीं ना कहीं हेटर भी एक फैन ही है जो कलाकार है उसको काफी हद तक समाज की समझ होती है हा? कि क्या चल रहा है क्या नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये चलेगा एक तरह से एक नब्स की समझ है या समाज की समझ है लेकिन कलाकार खुद नासमझी का शिकार बहुत होता है सबसे ज्यादा होता है और हर एक कोई तो नहीं होता हम जैसे ज्यादा हो जाते हैं हाँ क्यों मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं सबसे ज्यादा नासमझी का शिकार इसलिए हूँ कि मैं अपनी बात उतनी खुल के नहीं रख पाता क्योंकि मैं काम में इतना हूँ मुझे फालतू की कोई कंट्रोवर्सी फालतू के किसी के अगेंस्ट कोई बात ही नहीं बोलनी मुझे यह है कि मुझे काम करना है अपने फैन से मतलब है और वो काम करना है कि जिससे दूसरे को खुशी मिले तो कभी कभी मुझे सबसे ज्यादा नासमझी में लिया जाता है मुझे सोचा जाता है यार अमित बढ़ाने के अंदर बहुत एटीट्यूड है या बड़ाने ठीक से बात नहीं करता या लोगों से ठीक से नहीं मिलता क्योंकि मैं इंटरव्यू भी कम देता हूँ तो लेकिन अगर मेरे कोई मन से पूछे तो जितनी मैं अपने लिए मतलब जितना मैं अपने लिए सोचता हूँ उससे डबल मैं दूसरों के लिए सोचता हूँ क्योंकि कुछ तो ऐसी बात होगी कि इस, इस दुनिया में इतने सारे लोग हैं लेकिन जिस जगह पर मैं हूं तो ऊपर वाले ने मुझे ही क्यों चुना उस जगह के लिए कि यहाँ पर तू रहेगा तो वो चीज मुझे ग्राउंडेड रखती है क्योंकि मुझे औकात का पता है कि यार ये मेरी औकात है मुझसे भी कई ज्यादा समझदार टैलेंटेड लोग होंगे लेकिन मैं ही क्यों हूँ वहां पे हुँ. ये मैं हमेशा कहता हूँ कि इंसान अपने आप से कामयाब नहीं होता माँ का कोई ऐसा कर्म होता है जिससे जो पे आता है है और वो कामयाब होता है. कभी कभी मैं ऐसी बातें देखता रहता हूँ अपने खिलाफ कि यार मेरा इससे कोई मतलब ही नहीं है हुँ. ना मैंने ऐसे बोला है हुँ. ना मेरा ये सोच है ना मेरा ये विचार है मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं इस बात से लेकिन वो चल रही होती है मैं कह रहा हो तो नहीं यार मेरे नहीं ऐसा नहीं है लेकिन मैं उसे बोलता नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता दो। नफरत करने वाले देखो अगर मुझे इस काबिल बनाया है कि दस लोग मेरा हाथ पकड़ के मुझे ऊपर उठा रहे हैं तो दो लोग मेरी टांग भी खींचेंगे ये स्वाभाविक है मिसअंडरस्टैंडिंग का यह ना का एक एग्जाम्पल मेरे घर में ही है <laughs> मेरे चाचा जी का बेटा है चौदह पंद्रह साल का सोलह सत्रह का तो मैं एक दिन बैठा मैं गाड़ी में जा रहे हम तो मैंने गाना चलाया कहते तो गाना चेंज कर दो तो मैं क्यों बढ़िया तो है कहते नहीं भैया आर्टिस्ट नहीं अच्छा आजा। मैं कहता तेरी तो बुआ का लड़का है तेरे को कैसे पता आर्टिस्ट नहीं अच्छा कहता नहीं भैया मेरे वो दो दोस्त हैं वो मुझे कुछ बता रहे थे व्हाट्सएप पे कुछ था इसका मैंने कहा अच्छा ठीक है फिर हफ्ते बाद मैं उसके दो दोस्तों से भी मिला उसी की उम्र के जवान लौंडे तो कहते मैंने पूछा कि भाई क्या चक्कर है इस आर्टिस्ट में कहता हमें नहीं पता वो बस व्हाट्सएप पे कुछ चल रहा था <laughs> लेकिन है गलत है <laughs> ये वह ये वो वाली बात है ना कि ना गलती उनकी भी नहीं है उनकी भी नहीं है

सिर्फ इसलिए खड़े हैं कि प्यार की वजह से इन्हें प्यार है मुझे लगता है ये चीजें जमीन से जुड़ी रखती है इंसान मिट्टी इससे ही निकले हैं मिट्टी की रोटी मिट्टी की सब्जी हाँ जी मिट्टी की हर बात हाँ जी मिट्टी 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 मेरी जात अब छाछ कैसी लगी आपको छाय कैसी लगी <laughs> बहुत मिट्टी जैसी <जाजी। laughs> अब क्या बनवाया है खाने को दाल है और क्या क्या है भाजी चटनी दाल चटनी रायता रायता आलू गोभी ग्रेवी, ग्रेवी नहीं तरी वाली ये तो इतना हाँ। तो पाजी के लिए अकेला काफी है हमारे लिए क्या बना हाँ। आप बताओ क्या क्या खाना है मुझे भाव खाने हैं <laughs>